क्या हाल चाल मेरी जनता, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो भाइयों, आज हम जा रहे हैं कैनॉट प्लेस। भाई कहाँ जा रहे हैं? कैनॉट प्लेस आज खिंचाएंगे फोटो। आज हो गई फोटो शूट, बहुत दिन हो गया हमें फोटो शूट कराए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग इंस्टाग्राम के लिए। तो गाइज ब्लॉग में बने रहना, और इस ब्लॉग को देखने से पहले गाइज इसकी वजह से बहुत लेट हुआ, 2 बज चुके हैं और अभी तक हम पैदल घूम रहे हैं गलियों के अंदर, अभी बस स्टैंड जाना है। 2 मिनट चुप रहे, गजब बेइज्जती है। अब इस ब्लॉग को देखने से पहले जो मैंने 2 ब्लॉग डाल रखे हैं, एक तो मथुरा जंक्शन का और एक कहाँ का, कालकाजी मंदिर और एक प्रेम मंदिर, तीनों ब्लॉग देखना। तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और भाई के चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैं दूंगा पर्सनली करना जाके। तो भाई हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ेंगे फिर जाएंगे कैनॉट प्लेस। तो मिलते हैं सीधा बस स्टैंड पे। ब्लॉग को पूरा देखना, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं 2000 years later। तो फाइनली भाइयों बस स्टैंड हम पहुंचने वाले हैं, पहुंचने क्या पहुंच ही गए। ये हमारे यहाँ का गोल चक्कर है, मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा करके। ये हमारे का गोल चक्कर है हमारे यहाँ पालम का। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं बस स्टैंड। भाई बताओ कितनी धूप है। बहुत धूप है, देखो बस स्टैंड उधर है और हम लोग यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, क्योंकि पेड़ के नीचे खड़े हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। तो गाइज हम लोग यहाँ से पकड़ेंगे RL 77 जो हमारी जाएगी कैनॉट प्लेस, क्योंकि हम लोग पालम में रहते हैं, तो पालम से कैनॉट प्लेस के लिए पकड़ेंगे यहाँ से RL 77। अभी बस वेट कर रहे हैं कब तक पहुँचेंगे। सबकी बसें आ रही है हमारी छोड़ के, बाकी सब लोग भी आ रही है भाई, बस बस का वेट कर रहे हैं, बस जल्दी आ जाए फिर हम लोग वहाँ पहुँचे फोटोशूट वगैरह करवाएं। और यहाँ की करंट लोकेशन है फ्लाईओवर के नीचे महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के पास, या दूसरा सेकंड बस स्टॉप है पालम का मंगला। तो भाई इनसे बोल देते हैं अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आओ सब्सक्राइब करना, भाई का चैनल बेल आइकन ऑन कर देना ताकि हमारा ब्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिले। बाकी बस का वेट कर रहे हैं, आप ब्लॉग में बने रहना, कोई दिक्कत नहीं सब दिखाएंगे। भाई 20 मिनट हो गए अभी तक हमारी बस नहीं आई, तब से वेट करते करते हालत खराब, गर्मी उतनी है बहुत ज्यादा, इससे पूछ लो। अभी तक हमारी बस नहीं आई, सबकी बस आ रही है, पता नहीं कब आएगी, भगवान को हमसे ही दुश्मनी है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बदरपुर बॉर्डर के लिए भाई हमें जहाँ जाना है वहाँ की बसें भेज दो यार, तू वीडियो देख रहा है। हमें चाहिए भाई RL 77 कैनॉट प्लेस के लिए, भाई हमें जल्दी जाना है। देखते थोड़ी देर और वेट करते हैं बस का, बस आती है तो फिर मिलते हैं हम आपसे। तो भाई हम लोग जा रहे हैं पीछे वाले बस स्टैंड पे, क्योंकि यहाँ पे बस आ नहीं रही है, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। ये हमको यहीं लेके आए थे और मुझे लगा कि यहीं से मिलेगी क्योंकि हर बार यहीं से मिलती है, लेकिन किसी से पूछा तो बस का रूट डाइवर्ट कर दिया, वो आगे से निकल रहे। तो हम लोग जा रहे हैं पीछे वाले बस स्टैंड पे, तो आप ब्लॉग में बने रहना, आपको आगे का दिखाते हैं। गजब बेइज्जती है। तो भाई हमारी बस आ गई है RL 77, अब हम लोग जा रहे हैं पीछे ही है बस, पीछे आ रही है ऑरेंज वाली। तो मिलते हैं ब्लॉग में। भाइयों फाइनली हम लोग कैनॉट प्लेस उतर चुके हैं, यहाँ थोड़ा पीछे उतरे हैं, तो अभी सेंट्रल पार्क हम जाएंगे, वहाँ फ़ोटो शूट करवाएंगे, थोड़ा सा ही आगे चल के जाएंगे। और बस का तो पूछो ही मत, बस में तो बहुत ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा सीन क्रिएट हो गया था, एक लेडीज़ को जहाँ उतरना था वहाँ बस ने रोका नहीं, तो वो पुलिस बुलाने की धमकी वगैरह दे रही थी ड्राइवर को। फिर भी कैसे ही मेहनत मशक्कत करके हम लोग पहुँच चुके हैं CP। अब आप पूरे ब्लॉग में बने रहना। ये क्या बात करता है यार। तो भाइयों बस सामने ये सेंट्रल पार्क जहाँ आप तिरंगा देख रहे हैं, तो अभी हमें रोड क्रॉस करना है। उज्जवल भाई थोड़ा पीछे रह गए हैं, क्रॉस नहीं कर पा रहे ब्लॉकिंग के चक्कर में, जल्दी आओ उज्जवल भाई। तो बस ये रोड क्रॉस करके
सामने दुकानें लगती है कपड़े वगैरह की। भाई रोड क्रॉस कर लिया है, इसके नीचे पालिका बाजार है, नीचे मार्केट लगता है, थोड़े ब्रांड वाले कपड़े जूते वगैरह सब चीज़ मिलते हैं। यहाँ लड़कों का है, यहाँ जीन्स शर्ट टी शर्ट शूज़ वगैरह जो चाहिए आके आप ले सकते हो, अच्छे खासे रेट में मिल जाते हैं, और बार्गेनिंग करोगे तो बार्गेनिंग भी हो जाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस सामने ही अपना सेंट्रल पार्क है, ये देखो अपना तिरंगा बहुत बड़ा है, तो जिसको भी कपड़े वगैरह चाहिए होगा आप इधर से ले सकते हो, अच्छे खासे मिल जाते हैं, अच्छे खासे रेट पे बार्गेनिंग वगैरह भी हो जाती है। तो अब चलते हैं हम अपने सेंट्रल पार्क की ओर, जहाँ हमें फ़ोटोशूट वगैरह कराना है, तो पूरे ब्लॉग में बने रहना, वहाँ पहुँच के मिलते हैं आपसे। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं सेंट्रल पार्क, पीछे हमारा वो गेट है आप देख सकते हैं, वहाँ से हम एंट्री लेंगे। तो चलते पहले रोड क्रॉस करते हैं, गाड़ियाँ देखते आ रही हैं कि नहीं, आप ब्लॉग में बने रहो, बहुत मज़ा आएगा आपको, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट भी कर देना। तो रोड क्रॉस हमने कर लिया है, उधर की साइड पूरा सीपी है, ये हम सेंट्रल पार्क के अंदर अब एंट्री लेंगे। लो भाई एक और बड़ा स्कैम हो गया, कह रहे इस गेट से एंट्री नहीं है, हाँ आगे से एंट्री है, सुबह से स्कैम पे स्कैम हुए जा रहा है, पहले तो बस लेट आई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ऊपर से धूप इतनी है आप देख सकते हो, बहुत ज्यादा गर्मी है। अब आगे से एंट्री होगी, देखते कहाँ पे गेट। तो भाई ये रहा मेन सीपी अपना, यहाँ पे ब्रांडेड कपड़े से लेके जूते चप्पल मतलब एवरीथिंग, जिसके पास ज़्यादा पैसा हो वो भाई इधर आके शॉपिंग कर सकता है। यहाँ पे शोरूम है कपड़ों के, बहुत मतलब बहुत महंगे महंगे हैं कपड़े, तो इधर आके अपना शॉपिंग कर सकते हो। ये रहा अपना सेंट्रल पार्क, इसके अंदर जाना हमें, एंट्री गेट ढूंढ रहे हम आगे का। तो भाई फाइनली गेट नंबर 6 से हम लोग एंट्री ले चुके हैं, पीछे ही हमारे गेट है, सेंट्रल पार्क के अंदर है हम, अब जाके कैमरे वाले को ढूंढेंगे। आप ब्लॉग में बने रहिए, सब चीज़ देखने को मिलेगा आपको। तो भाई फाइनली ये रहा हमारा सेंट्रल पार्क, कैनॉट प्लेस का। सेंट्रल पार्क तो किस लिए फेमस है आप सबको तो पता ही है, जो दिल्ली में रहते हैं, ये कपल्स पार्क है, सब अपनी अपनी कपल्स लेके, सब कपल्स अपने अपने पार्टनर लेके बैठे पड़े हैं, हम ही दोनों अकेले हैं क्योंकि हम तो सिंगल हैं, सिंगल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो ये रहा सेंट्रल पार्क का व्यू, अब फोटोग्राफर ढूंढते हैं हम लोग फोटोशूट के लिए। तो भाई सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड लेके बैठे हुए हैं, तो हम चलते थोड़ा उज्जवल भाई के पास, उनसे पूछते हैं कि वो क्यों नहीं लेके आए अपनी गर्लफ्रेंड को। तो उज्जवल भाई, हाँ उज्जवल भाई, हाँ भाई देख रहे हो जैसे कि आप सब अपनी अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बैठे पड़े हैं, तो आप क्यों नहीं लेके आए भाई, आप इनके दुख दर्द पीड़ा समझ सकते हो। ये क्या बात करता है यार, गाइस हम लोग सिंगल लौंडे यूपी के, हमें ठीक है यार, तो आप अपनी इनकी दुख दर्द पीड़ा से आप देख सकते हो। गाइस हम ओपी हैं, हम अकेले बहुत बहुत खुश हैं। मैंने आपसे बताया था ना सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ। भाई आपकी वाली आ रही है ब्लैक साड़ी में, नहीं नहीं भाई इतनी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, दोनों ने ब्लैक पहन रखा, वो हमारे लिए आ रही है, एक बार कैमरा मूव कीजिए इसी बात को, इतनी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, दो लड़कियां हमारे लिए आ रही हैं सिर्फ ब्लैक साड़ी पहन के, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है भाई हमारी, कोई नहीं भाई, हमें रोना आ रहा है मुझे अपनी किस्मत पे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, ना ना रोना, मिल जाएगा आपको ही मिलेगा। अरे नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, हम लोग चलते हैं फोटोग्राफर को ढूंढने, बहुत हो गया ये बंदा बंदी। तो भाई अब हम लोग सेंट्रल पार्क से बाहर निकल रहे हैं, तो अब बाहर निकल के आपसे बात करते हैं, ब्लॉग में बने रहो। तो भाई हम लोग सेंट्रल पार्क से बाहर निकल चुके हैं, फोटोशूट वगैरह हमारा हर चीज़ हो चुका है, आपको हर चीज़ हमने कवर करके दिखाया। तो भाई हम बहुत ज़्यादा अब थक गए हैं, पसीना देख सकते हो, गर्मी भी बहुत है, तो हम लोग अब घर जा रहे हैं, मेट्रो यहाँ से पकड़ेंगे, अब सीधा घर जा रहे हैं। इस ब्लॉग को यहीं पर हम फिनिश करते हैं, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि और भी लेटेस्ट ब्लॉग आपको सबसे पहले देखने को मिले।
और हाँ भाइयों, मैंने जो 3 वीडियो बना के डाली है हज़रत निज़ामुद्दीन 2 मथुरा जंक्शन, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस प्रेम मंदिर का भी ब्लॉग का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कालका जी मंदिर का भी, तो आप तीनों वीडियो जाकर देख लेना, कमेंट कर देना, अगर ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, लव यू। और जहाँ का आपको ब्लॉग बनवाना है आप कमेंट करके बता देना कि नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का हम बनाएं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय टाटा, लव यू सो मच, बाय।